हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं जब आपके कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन ये ज़रूर होता है कि भाई, मिड से बोला गया था कि मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होगी, तो अभी तक क्यों नहीं हुई है। सो मेरे दोस्त, इसका सवाल का जवाब लेकर के आपके पास आया हूँ कि मेरे दोस्त, जो हमारा ग्लोबल इवेंट हुआ था बोस्टन से, जिसमें ओ स्टाफ लॉन्च हुआ था, वो भी एक पार्ट था हमारा मार्केटिंग का। मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको टीवी पर ही ऐड दिखाए जाएं, आपको यूट्यूब पर ही ऐड दिखाए जाएं। मेरे दोस्त, टीवी एड्स जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, वो कब दिखाई जाती हैं? जब हमारे पास एक पुख्ता प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर फाउंडर बनने के लिए, कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ये एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करेगी। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये पार्ट जो था हमारा मार्केटिंग का, ये गजब का उन्होंने दिमाग लगाया है सर ने, कि बोस्टन में जो बैठ करके इन्होंने ओ स्टाफ को लॉन्च किया और पूरी पब्लिकली कम से कम 4 से 5 चैनल्स जो कि ऑन पेसी को कवर करते थे, उन पे चैनल पर ये लाइव चला और पूरी दुनिया ने देखा। ये एक बेस्ट पार्ट था हमारे लिए, क्योंकि ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट था। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि इसके बाद में ईमेल मार्केटिंग और बहुत सारी मार्केटिंग होने वाली है। सो पेशेंस बना के रखें, अभी बहुत कुछ होने वाला है। और रही बात ओ स्टाफ की, मेरी खुद की नज़रिए से मुझे ओ स्टाफ बहुत ही अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पूछते थे, सर ये PDF वगैरह, पहले तो ओ स्टाफ लॉन्च हो चुका है। तो मेरे दोस्त, पहले ओ स्टाफ लॉन्च होता है, कोई भी चीज़ जब डिज़ाइन होती है तो कहीं ना कहीं वो PDF पर ही डिज़ाइन होती है, पहले वो बनाना स्टार्ट नहीं की जाती है। आप इसको समझ लें, सोच लें, पहले जब चीज़ें बनती हैं, सपोज़ करें आप एक वेबसाइट बनाएंगे, एक आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले डेवलपर उसकी PDF ही बनाएगा, उसका डिज़ाइन ही बनाएगा। जब आप उसको बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो वो चीज़ें ऐड होंगी मेरे दोस्त। और रही बात ओ अकेडमी की, ओ ट्रैकर की लॉन्च की, बिल्कुल आज से 1 साल पहले उसके PDF ही दिखाए गए थे, क्योंकि वो जो आइडियाज़ थे लोगों के, वो उनके सामने थे और वो PDF से सब कुछ हुआ था, हम मानते हैं। लेकिन अब जाकर के हमारे प्रोडक्ट रेडी हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि PDF बनाने में ही कहीं ना कहीं कंपनी ने इतने महीने लगा दिए, तो आप सोच सकते हो कि प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगता होगा, आप खुद सोचते हो। मैंने जब एक डेवलपर से बात की कि आप जब एक सिस्टम को ऐड करने में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने बताया कि ये उस टैब को देखते हुए हम बता सकते हैं कि अगर एक लाइन भी मुझे ऐड करनी हो, और लप 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 की बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हरी बत्ती जलानी है उस वेबसाइट में, तो उसमें वो कोडिंग करने भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं हम देखो कि हमारे प्रोडक्ट तो लोगों को चैलेंज करने वाले हैं, तो कितना टाइम लगेगा। और जो भी बहुत सारे लोग जो है ना, सोचते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, ये है, तो प्लीज़ सोचना बंद कर दें और प्लीज़ पेशेंस के साथ में बने रहें। ऑन पेसी रियल है, प्रोडक्ट रियल है, CEO रियल है, फाउंडर रियल है, मनी भी रियल मिलने वाली है। सो थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ लोगों की बातों में मत आएँ, खुद पर विश्वास रखें। कोई भी कुछ भी बोल रहा है उस पर मत जाएँ, खुद पर सर्च करें, खुद से विश्वास रखें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ऑन पैसिफिक।